यहाँ हो चुका है मेरा हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट। मैं आप लोगों को पीछे से इसकी लुक भी दिखाऊंगी। सालियों से पूछते हैं कितने मिले आप लोगों को? हमारी मां को भी नहीं, बट ठीक है, फिर भी ठीक है ना। स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल पे। आप पीछे का व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर शहर है पिथौरागढ़। और हम लोग थोड़ा रेस्ट करके उठ चुके हैं। मैं तो एक्चुअली उठ गई हूँ, राहुल को मैं अभी उठा रही हूँ। तो हम सोच रहे हैं कि शाम की चाय भी पी के आ जाते हैं, और मुझे थोड़ा हेयर स्टाइल बनवाना है, तो देखते हैं यहाँ पार्लर या सैलून कुछ है तो बाल भी सेट करवा के आ जाएंगे, और फिर आके होंगे रेडी। बारिश का मौसम भी हो रहा है, यहाँ बादल लगे हुए हैं काले, तो हो सकता है कि बारिश भी हो जाए। या मुझे लग रहा है अभी हुई तो नहीं है, पर हो सकता है बारिश भी हो जाए, पर आज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने आपको सुबह बताया था, सारा अरेंजमेंट ओपन में है, तो बारिश ना ही हो तो अच्छा है। तो अभी चलते हैं बाहर और चल के पीते हैं चाय। तो हम लोग आ चुके हैं चाय पीने, और खाने के लिए तो हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए बस हम चाय पी रहे हैं और खाने के लिए अभी देखते हैं आगे जाके। सो गाइस, यहाँ पर गई है दिव्या अपने बाल कर्ल्स करवाने के लिए। तो देख सकते हैं ये है स्टाइल मेकअप स्टूडियो एंड ब्यूटी सैलून। तो यहाँ आ चुकी हूँ मैं अपने बाल कर्ल करवाने, और हमारे साथ है दीदी, वो बताएंगे उनके पार्लर का नाम। हेलो, मेरे पार्लर का नाम है स्टाइल मेकअप स्टूडियो एंड ब्यूटी सैलून। और ये कहाँ पे है ये भी बता दो। ये है मैम लिंक रोड में, पिथौरागढ़ लिंक रोड पे है ये। और अभी करने वाली मेरी हेयर स्टाइलिंग, तो एक बार हो जाएगी उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, दिव्या को बहुत टाइम हो चुका है अंदर बाल कर्ल्स करवाने में, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और मुझे आधा घंटा हो गया लगभग यहाँ वेट करते करते। इसके बाद हमें रूम पे भी जाना है, फिर खुद को भी तैयार करना है, और फिर पहुँचना है वेन्यू पर भी, तो टाइम लग जाएगा मुझे लग रहा है ऐसे। तो यहाँ हो चुका है मेरा हेयर स्टाइलिंग कम्प्लीट। मैं आप लोगों को पीछे से इसकी लुक भी दिखाऊंगी। देख सकते हैं आप लोग, मेरा पीछे से ऐसा लुक आया है। तो हो चुकी है मेरी हेयर स्टाइलिंग और अब हम चलते हैं, काफी अच्छा लगा। तो आप लोग भी अगर पिथौरागढ़ रहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, कुछ भी आपको ब्यूटी सर्विसेज चाहिए तो अभी चलते हैं। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं वापस अपने रूम पर, और अब हम जा रहे हैं तैयार होने। तैयार होने मतलब एक घंटा दिव्या को लगेगा और 5 मिनट मुझे लगेंगे, तो बस फिर हम निकलते हैं तैयार होकर यहाँ से जहाँ शादी है, और वहीं मिलते हैं आपसे। हम लोगों ने आज क्या पहना है वो हम आपको तैयार होने के बाद दिखाएंगे, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ इस व्लॉग में। ओ गाइस, हम लोग हो चुके हैं तैयार, आप देख सकते हो। तो मैंने पहना है इंडो वेस्टर्न, और दिव्या ने पहना है शरारा, ग्रीन शरारा। तो हम लोग ऐसे लग रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताओ हम लोग कैसे लग रहे हैं। तो अब हम निकलते हैं जल्दी से और मिलते हैं आपको शादी में। हम लोग लेट हो चुके हैं क्योंकि बारात जो है वो पहुंच चुकी है, एंट्री पर ही है। दिखा दूं मैं आपको दूल्हा भी और बाराती भी, ये देखिए गाइस। अरेंजमेंट ये है मंडप, यहाँ फेरे होने हैं, तो ये है आज का अरेंजमेंट। और यहाँ खाने का
ये देखिए फ्रूट चाट, स्प्रिंग रोल्स, फ्रेंच फ्राइज, गोलगप्पे, चाउमीन और यहाँ है टिक्की। जस्ट अभी घुसे ही हैं हम, एंटर ही हुआ है। भैया ने पहली बार बोल रहे हैं कि हमारे फर्स्ट कस्टमर आप ही हो। ये देखो तो ये खा के टेस्ट करना चाहती है कि किसी पर आती तक बुरी चीज ना पहुंचे, है ना। और इसका हाथ अभी लगा हुआ था स्प्रिंग रोल पर, अभी भी पीछे करे इसने। 21,000 अरे रिकॉर्ड करेंगे ना दीदी के लिए, प्रूफ रहेगा। अरे यार नहीं यार, अरे कैंसी 5,000 वाली लाए हम, हमारी तो कैंसी 5,000 वाली है। अरे ना तुम्हारी ना हमारी, 20,000 कर दो यार, ना तुम्हारी ना हमारी, 20,000 30,000 में डाल। चलो 21 लेने क्या? हाँ 21। क्या लग रहा है व्यूअर से जानते, क्या लग रहा है, लग रहे हैं 21,000 देने वाले? अभी कैमरे पे दे दो, पीछे ले देते वापस। अरे यार दे दो यार, अरे ऐसे नहीं करो यार, और यहाँ मेरी बनगड़ी क्वालिटी है। सालियों से पूछते हैं कितने मिले आप लोगों को, फिर भी ठीक है ना, कितने मिले? 10,500, ठीक है, सही मिल गए जितने चाहिए थे। बारात ने एंट्री कर ली, आप देख सकते हैं, आप थोड़ा ग्राउंड भरा भरा लग रहा है और पीछे कुछ बराती नाचते हुए आ रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं खाने में टूट पड़े हैं बराती कुछ। दिव्या नहीं डांस करी क्योंकि कोई भी लड़की डीजे पे नहीं है, इस वजह से दिव्या डांस नहीं कर पा रही। सो गाइस हम लोगों ने तो बहुत डांस करा और डीजे बंद हो चुका है। बंद इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ 10 बजे की टाइमिंग है, पिथौरागढ़ में भी 10 बजे से एक्स्ट्रा डीजे वो नहीं चलाते। तो अब दुल्हन प्रवेश करेगी और वो भी हम आपको दिखाएंगे। और दिव्या ने तो आज पूरा डांस मिस कर दिया क्योंकि डीजे पे कोई लड़की थी नहीं। दिव्या को लगा था निशा की फ्रेंड्स आएंगी तो उनके साथ नाचेगी, पर ये कोई आया नहीं तो ये नाचेगी। तो आज मैंने देखा, तो दिव्या का डांस आज रहा मिस हमारे इस व्लॉग से। ये है दुल्हन की मम्मी और देखो कितनी सुंदर लग रही है आज मेरी आंटी, बहुत ही अच्छी लग रही है आंटी।
तो ये साड़ी जो मैंने पसंद करवाई थी सही लग रही है ना? तो आंटी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। और आंटी के दो बच्चे हैं, एक नवीन जो मेरा दोस्त है और बहन। तो आज पहले बेटे की शादी में खुशी बहुत होती है ना, बहुत। अब नवीन की भी जल्दी करवाओ, फिर हमारे भी घुटने दर्द कर रहे हैं, नाच नहीं पाएंगे, शादी बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, जल्दी करवाओ उसकी भी। ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारे दोस्त की मम्मी, ऐसे ये आई है, ये है दूल्हे की साली और हमारी बहन। और ये दिव्या से पूछने आई है कि पूछो, आप पूछो, क्या पूछ रहे थे आप? टिप्स पूछ रहे हैं कि जूते कब देते हैं। हमने चुरा तो लिए पर, लेकिन अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जूते कब देंगे जीजू जी को। तो जूते हम देंगे सुबह, जब ये पैसे देंगे नहीं, घर जाना होगा ना जूते पहन के, तब देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये मेरे जूते चुराई नहीं पाई थी, मतलब इसकी साइड वाले कभी नहीं चुरा पाई, लेकिन हम कामयाब हैं क्योंकि तुम तो हमारी बहन हो ना। और एक चीज और, जिसे टिप्स लेते हैं ना, जैसे तुमने इसे टिप्स ले ली तो उसके 5,000 अलग से रख लेते, उसके 5,000 अलग से रख, जो मेरी वजह से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना उसके मैं लूंगी 5,000, वो तुम जब बढ़ेंगे तब। तो 5,000 बोल दिया, अगर दिव्या को 50 रुपए में मिल जाए तो फायदा ही है। हमने अभी टिक्की खाई और टिक्की बहुत ही अच्छी थी ना, एक नंबर, एक नंबर, ऐसा लग रहा था 10 में से 1 नंबर देंगे उसको, मजा आ गया टिक्की खाने। सो गाइस, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, अब हम वेट कर रहे हैं कब फेरे होंगे, लेकिन फेरों तक हमें लग नहीं रहेगी हम रुक पाएंगे, तो देखो क्या करते हैं अब। ओ गाइस, यहाँ देख सकते हैं हमें मिल चुके हैं हमारे कुछ और दोस्त, भाई जो है वो सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर करना। और इनका ही डीजे था और काफी अच्छा, मतलब इन लोगों ने बहुत बढ़िया डीजे बजाया, हमें स्वागत पक्का, जरूर जरूर जरूर। और हम लोग आ चुके हैं रूम पे वापस, क्योंकि वहाँ इतनी ठंड थी, वहाँ पे अब कोई भी नहीं बैठा हुआ, फेरे होने हैं सुबह 4 बजे, तो अगर हम 4 बजे तक उठ पाए हम फेरे देखने जरूर जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता
कि हम उठ पाएंगे अगर एक बार सो गए। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।